Hey guys, welcome back to my channel. If you are new here, hi, my name is Roma and it would mean a lot if you take a moment and subscribe to my channel. So, अगर आप मुझे जानते हो in person, तो आपको पता होगा मेरे हेयर पहले इतने छोटे हुआ करते थे और मैंने बहुत केयर करी है लेटली. अब मैंने बहुत अच्छे से केयर करनी शुरू कर ली है अपने हेयर की और एक नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और ये चीज़ मैं ऑलरेडी बहुत महीनों से अपने बालों पे यूज़ कर रही हूँ, इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत से नुस्खे ट्राई कर लिए, सब कुछ हेयर ऑयल ट्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था. लेकिन अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उससे आपको फ़र्क पड़ेगा. आपके हेयर शाइनी होंगे, आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ेगी, आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा और ये आपको फर्स्ट वॉश से ही पता लगने लग जाएगा. सो बिना देरी करे मैं आपको लेकर चलती हूँ वीडियो की तरफ और बताती हूँ आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे. हमें चाहिए 1 कप ऑफ प्योर सरसों का तेल. फिर हम यूज़ करेंगे 8 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा ऑयल. अगर आपको ओरिजिनल ना मिले आप पैराशूट का यूज़ कर सकते हो. फिर हमें चाहिए 2 या 3 क्लोव्स ऑफ लहसुन. फिर हम यूज़ करेंगे विटामिन ई की कैप्सूल 600 mg में, 7 कैप्सूल्स हमें चाहिए. फिर हमें चाहिए 1 मीडियम साइज ऑफ प्याज. उसके बाद हमें चाहिए 3 टेबलस्पून ऑफ मेथी दाना. हमें ये छोटे वाला मेथी दाना चाहिए, मार्केट में 2 टाइप के आते हैं तो आप इसे एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा. अब चलते हैं प्रोसेस की तरफ. हमारा ये पूरा प्रोसेस मीडियम फ्लेम पे बनेगा. हम पहले दोनों ऑयल को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम उसमें लहसुन डाल देंगे और प्याज डाल देंगे. थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इसमें हल्के हल्के बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे. मीडियम फ्लेम ही रहेगा. इसके बाद जब इस कंसिस्टेंसी पे आएगा आप डरिएगा मत, आपका ऑयल बिल्कुल सही बन रहा है. हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही स्टर करते रहेंगे. ये पूरा प्रोसेस मीडियम फ्लेम पे इसलिए है ताकि सारे इसके जो न्यूट्रिशन है वो पूरे इसमें ऐड हो जाएं, क्योंकि अनियन हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है. और ये अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे. अब हम अपना मेथी दाना ऐड करेंगे इसमें, लेकिन हमारी फ्लेम अभी भी सिम पर ही रहेगी, मतलब मीडियम फ्लेम पर ही हम करेंगे. एक चीज़ ध्यान रखना, मेथी दाना बहुत जल्दी रेड हो जाता है, जल जाता है, तो हमें गैस के पास ही रहना है. मेथी दाना को हम कॉन्टिन्यूस स्टर देते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि वो रेड ना हो जाए. ये आपको आवाज़ आ रही होगी आई होप. इस पॉइंट पे हम इसको बंद कर देंगे गैस को. और अब हमारा मेथी दाना पूरा रेड हो चुका है और अब हम इसको भी प्याज की तरह अलग कर देंगे ऑयल से. अब हम ऑयल को कोई भी स्टील के कंटेनर में पोर कर लेंगे, क्योंकि अभी ऑयल बहुत गर्म है तो हम इसको कोई भी बॉटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो पिघल जाएगी. अब इस पॉइंट पे हम अपनी विटामिन ई की कैप्सूल्स ऐड करेंगे इसमें. मीनवाइल जब तक ये ठंडा होता है मैं कोई बॉटल्स चेक कर लेती हूँ मैं किस में इसको ट्रांसफ़र करूँगी. आपको ये ऑयल मिनिमम 5 आवर अपने हेयर में रखना है फॉर बेस्ट रिजल्ट. एंड आई गारंटी यू आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा और फर्स्ट वॉश में मिलेगा. और अगर आपका ऑयलिंग के बाद ब्रेकेज होता है, हेयर फॉल होता है, तो कॉम्ब यूज़ मत कीजिएगा. डिटेंगल करने के लिए अपने फिंगर्स की हेल्प के थ्रू से थोड़ा सा डिटेंगल कर लीजिएगा और लूज ब्रेड बनाकर सो जाइएगा और नेक्स्ट डे वॉश कीजिएगा. और अब इसके साथ मैं आ चुकी हूँ एंड ऑफ द वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो गिव इट अ थम्स अप और बी हेल्दी, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.